औद्योगिक क्षेत्र विधमपुर के सेक्टर नंबर 3 बगदुन थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम मंडलावाड़ा में एक 2.5 वर्षीय मासूम बच्चा घर से अचानक कहीं लापता हो गया। परिजनों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस हरकत में आई और बच्चे की तलाश शुरू कर दी। पुलिस ने महज चंद घंटों में ही बच्चे को खोज लिया और परिजनों को सुपुर्द कर दिया। दरअसल 2.5 वर्षीय बच्चे के लापता होने के बाद से माता पिता को जब बहुत खोजने के पश्चात भी बच्चे की कोई जानकारी नहीं मिली तो आखिर में पुलिस को सूचना दी गई। बच्चे के लापता होने की सूचना पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्चे की तलाशी शुरू कर दी। वहीं थाना प्रभारी राजेंद्र सोनी की सतर्कता से तत्काल एक टीम का गठन किया गया और एक टीम को सोशल मीडिया पर बच्चे की गुमशुदा होने की सूचना देने और प्राप्त जानकारी पर नजर रखने के लिए कहा गया। वहीं शहर में बच्चे के लापता होने वाले स्थान के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसके बाद पुलिस टीम ने गश्त करते हुए आसपास के लोगों से पूछताछ की एवं चंद घंटों में ही बच्चे को खोज निकाला एवं परिजनों को उसे सौंप दिया। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। बताइए सर। मैं बगदुन थाना प्रभारी व बगदुन थाना के पूरे स्टाफ को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी कड़ी मेहनत और कड़े प्रयासों से आज एक माँ बाप को उनका बेटा सुरक्षित मिला है। इसके लिए मैं तहे दिल से थाना प्रभारी व पूरे अन्य स्टाफ को तहे दिल से आभार प्रकट करना चाहता हूँ। उनसे आपका नाम बताया? रवि कनौजिया, ग्राम पंचायत रंगन बिलो सरपंच। ये बताया आपका बच्चा मिला कब गायब हुआ था आपका बाला? कल सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे? कितने साल का है ये? 2.5 साल का। क्या नाम इसका? गगन। आपको क्या महसूस हो रहा है पुलिस के काम पर? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया महसूस, बहुत खुशी हो रही है। आपका नाम? अच्छा काम किया मनोज का। सर बताएं आप, ये जो बच्चा आज गुम हो गया था कल का, उसके बारे में कैसे क्या मिला है? देखिए, गगन नाम का बच्चा था, 2.5 साल इसकी उम्र थी और इसके जब हमको घूमने की खबर मिली तो इसके माता पिता पहले इसको ढूंढ चुके थे एक डेढ़ घंटा। जब वो परेशान हो गए तो फिर उन्होंने पुलिस को आगे रिपोर्ट किया कि ऐसा ऐसा बच्चा गया है। फिर हमने पहले 3 टीम बनाई, फिर 4 कर दी टीम, फिर 5 कर दी, फिर अंत में ऐसी स्थिति आई कि 18, 19, 20 और जितने थाने का स्टाफ था हमने सब लगा दिया। पूरा थारू सर्च हुआ पूरे इलाके का, तालाब, नदी, नाले, छोटी मोटी नाली। फिर पता चला कि स्कूल में गया है कहीं पे, तो उस स्कूल के एक एक कमरे को तलाशा, वहाँ मैडम से बात करी, फिर वहाँ पे एक महिला ने बताया कि इसको उन्होंने खीर खिलाई थी, उसका बच्चा चला गया। लेकिन कुछ हमारे पास में इनपुट थे, उसके आधार पर हम काम कर रहे थे। टीम हमारी 3-4 टीमें लगातार कैमरा देख रही थी और इसी दौरान कुछ हमने CDR के लिए भी भेजा था, कुछ लोगों की CDR भी हम चाह रहे थे कि मिल जाएँ। जो सस्पेक्ट्स थे वो हमारी नज़रों के अंदर थे, मैं उनको अब उजागर भी नहीं करना चाहूँगा क्योंकि बच्चा सलामत आ गया घर। अभी वो जिस परिस्थिति में मिला, उनके घर के पास में ही एक नाला है पास में, वहाँ पर बिजली गोल थी और उसको कोई वहाँ छोड़ के चला। फिर 3-4 बच्चे थे, उन बच्चों ने देखा कि ये बच्चा हमारे मोहल्ले का है तो फिर उसको उसके लेके घर पहुँच गया। ऐसे बच्चा दस्तयाब हुआ। क्या आपको लग रहा है साहब कि मतलब पुलिस की सजगता से ही घटना जल्दी काबू में आई है? देखिए, सजगता तो पुलिस की बिल्कुल मैं कहूँगा, क्योंकि हमारी टीम असामान्य तरीके से इतनी संख्या में कभी हम लोग गुम इंसान जब होता है, यदि कोई 363 होता है तो इतनी बड़ी संख्या में हम कभी पुलिस फोर्स नहीं लगाते। लेकिन इस बार मामला थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि बच्चा जो है उसकी उम्र मात्र 2.5 साल है, वो अपना पता भी नहीं बता सकता। वो अपना पता भी नहीं बता सकता, इसलिए हमारे लिए बहुत दिक्कत ये थी कि वो ये भी नहीं बता पाएगा कि वो कहाँ रहता है, कहाँ का है। तो उसको हमने सारे धार ज़िले में, यहाँ पर लोकल पीतमपुर में सेक्टर 1 में और पूरे इंदौर में उसको हमने वायरल किया, उसके पोस्टर्स बनवाए, पोस्टर बना के बसों में और टैक्सियों में चिपकाए। क्योंकि हमारे पास में कुछ मुखबिरी थी हमारी और जिस प्रकार से पुलिस काम कर रही थी उससे कुछ जो कतिपय संदिग्ध व्यक्ति होंगे उन पर दबाव बना और उनको लगा कि पुलिस हम तक जल्द पहुंच जाएगी, तो मैं ऐसी संभावना व्यक्त कर रहा हूं, तो उन्होंने फिर उसे समझा कि बच्चे को उसके घर छोड़ दिया जाए। जो भी हो, बच्चा सकुशल आ गया है
मैं बिल्कुल भी अन्यथा उसको किसी को परेशान नहीं करना चाहता। बच्चा सकुशल आ गया, बच्चे को उसके माता पिता के सुपुर्द किया। मंडालदा गांव जो है, उस गांव के लोग बहुत अच्छे हैं, बड़े हिलमिलकर रहते हैं और उन लोगों ने बहुत कॉपरेट किया हमको। जब हम गांव में जाते थे तो 200-250 लोग इकट्ठे हो जाते थे और उनने भी हमारे साथ में बहुत सहयोग किया। पत्रकार साथियों ने बहुत सहयोग किया कि वो समय पर खबर को बिल्कुल प्रकाशित किया। कुछ लोगों ने उसको फेसबुक पर डाला, कुछ लोगों ने अपनी मतलब मैं पत्रकारों की बता रहा हूँ, कुछ लोगों ने उसको अपने स्टेटस में डाल दिया। ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक ये बात पहुँचे कि बच्चा दिखने में ऐसा और ऐसा गुमा है। और उस प्रयास में सभी सफल भी हुए। इसका इतना सर्कुलेशन हो गया था कि कोई ना कोई आज नहीं तो कल पहचान ही लेता। और एक महिला ने पहचान ही लिया था कि बच्चा लगातार अंगूठा चूस रहा था और फला व्यक्ति के साथ गोदी में बैठा था और ऐसा था वैसा था, जो भी बातें थी वो। बहरहाल ईश्वर का बड़ा शुक्र है कि बच्चा सलामत मिल गया। इतना तो ऐसे कौन लोग थे सर जो बच्चे को थोड़ा सा? इस बिंदु को मैं इसलिए ज़्यादा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये बताएं कि जो जिन बच्चों ने पुलिस की मदद करी और बच्चे को अंधेरे में से नाले में से बाहर लाए, क्या वो लोग पुलिस के मददगार साबित हुए हैं? बिल्कुल साबित हुए। हमने उनका स्वागत किया, मिठाई खिलाई उनको, कि उन्होंने बच्चे को देख लिया और घर पहुंचा दिया। आपका नाम बताइए। राजेंद्र सोनी, थाना प्रभारी प्रीतम। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।